आज हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं वो है पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों में से है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या फिर ऑफिस, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अगर मार्केट की बात करें तो आजकल बॉल पेन और यूज एंड थ्रो पेन की मांग सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस घर से भी शुरू किया जा सकता है। पेन बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल बैरल, बैरल पेन का वो हिस्सा होता है जिसमें इंक भरी जाती है। एडाप्टर, एडाप्टर बैरल और टिप के बीच का हिस्सा होता है। टिप पेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जिससे लिखते समय इंक बाहर आती है। पेन बनाने के लिए जरूरी मशीनें पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन से बैरल में अडैप्टर को सेट किया जाता है। इंक फिलिंग मशीन, इंक फिलिंग मशीन की मदद से बैरल में इंक भरी जाती है। टिप फिक्सिंग मशीन, टिप फिक्सिंग मशीन से पेन के अडैप्टर में टिप को लगाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, इससे पेन के अंदर इंक भरते वक्त रह गई एक्सेस एयर को पेन से बाहर निकाला जाता है। पेन बनाने के लिए बिजनेस की कुल लागत, छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 30,000 से 40,000 तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें 25,000 तक की सस्ती मशीन आएगी। सबसे पहले बैरल में अडैप्टर को सेट करने के लिए पंचिंग मशीन में लगाना होगा। इसके बाद पेन को सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डालकर उसकी एक्सेस हवा को बाहर निकाला जाता है। पेन मेकिंग बिजनेस के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन, छोटे स्तर पर बिजनेस को शुरू करने पर किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। पेन बिजनेस की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आप होलसेल दुकानदारों को अपना प्रोजेक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बेच सकते हैं। आप आपके शहर या आसपास की हर स्टेशनरी शॉप को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप पोस्टर और होर्डिंग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत फायदा है क्योंकि पेन का यूज सबसे ज्यादा होता है। लोग आजकल पेन के इंक खत्म होने पर दूसरा पेन ही खरीद लेते हैं। इस कारण से बाजार में पेन की मांग ज्यादा है और मुनाफा भी काफी ज्यादा है। तो देर किस बात की, आप भी अपना पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आज ही शुरू करें।